नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा स्थित आवास में बुधवार की शाम जहां सांप घुसने की सूचना से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सांप को पकड़ने के लिए खटीमा वन रेंज की टीम बुधवार शाम से ही खोजबीन के दौरान कसरत करती रही, लेकिन सांप फिर भी वन विभाग की पकड़ में नहीं आ पाया। वहीं दूसरे दिन गुरुवार को भी वन कर्मचारी सीएम आवास में सांप को खोजने में लगे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को आखिरकार पकड़ लिया गया। सांप को पकड़कर वन विभाग ने इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल ने बताया कि बीते बुधवार की शाम को सीएम आवास नगरा तराई खटीमा में सांप घुसने की सूचना वन विभाग को मिली थी। सूचना मिलते ही वे स्वयं सांप को पकड़ने टीम के साथ सीएम आवास नगरा तराई पहुंच गए। हालांकि सीएम का पूरा परिवार इस समय देहरादून में है, वर्तमान में स्टाफ मौजूद है, जिसके माध्यम से उन्हें सूचना मिली थी कि सांप ने गौशाला में गाय की बछिया को काट दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने बछिया का इलाज किया, लेकिन वो नहीं बच पाई और इसे बुधवार की रात ही दफना दिया गया। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो मुझे वहाँ सीएम साहब के आवास से मुझे सूचना मिली थी, एक कोई सांप जो है सीएम साहब के जो गाय जहाँ भरी होती है वहाँ घुस गया करके जो है, और गाय के बछिया को जो है उसके द्वारा डस लिया गया, और वहाँ पे जो है पशु चिकित्सा अधिकारी जो है पहुँचे, उन्होंने उसको जो है बच्चे को देखा तो मृत हो चुकी थी। उसको तत्काल ही जो है रात को ही जो है उसको जो है दफना दिया गया। मेरे द्वारा सुबह ही प्रातः रात को, वैसे तो रात को ही मेरे प्रातः ही मेरे द्वारा एक टीम गठित करी गई। टीम गठित करने के बाद मैं खुद सीएम साहब के आवास में वहाँ गया और पूरी सारी जगह, पूरी जितना एरिया था जहाँ पे गाय के बछिया को जो है सांप ने डसा था, वहाँ पे तुरंत जो है चारों तरफ जो है उसको जो है सख्त करा गया जो है स्टाफ के द्वारा। जो उस दिन तो कोई भी जो है सांप जो है हमें नज़र नहीं आया। आज सवेरे जो है प्रातः ही जो है फिर मुझे सूचना मिली कि जो है इस तरह का एक सांप जो है और की घुसाया करके, तो तुरंत हमारे द्वारा मैं खुद जो है रेस्क्यू टीम लेकर के जो है सीएम साहब के आवास में गया। आवास में जाने के बाद एक सांप उनके बगल में ही जो है तुरंत हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के उपरांत उसको जो है हमने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।